टाइम बढ़ता ही चला जा रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा, महंगाई बढ़ती चली जा रही, किसानों के साथ जो वादे किए थे शायद अभी तक पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश जहां 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर सीएम योगी और डिप्टी सीएम के बीच खींचतान का। विपक्ष से राजनीतिक मुद्दा बनाने में कोई कोताही नहीं कर रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन कमला देवी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने राखी बंधवाने के बाद पत्रकारों से बात की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूरे देशवासियों को बधाई दी। वहीं जब पत्रकार साथियों ने उनसे यूपी पुलिस भर्ती पर पारदर्शिता पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस सरकार से पारदर्शिता की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती, इस सरकार में हमेशा पेपर लीक होता है। यूपी सरकार में सरकारी नौकरियों के साथ साथ हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से देश और प्रदेश 10 साल पीछे चला गया है। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है, पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से इस रक्षाबंधन के त्यौहार की शुभकामनाएं। और ये त्यौहार भाई बहन का रिश्ता, पवित्र रिश्ता, और जो जिम्मेदारियाँ होती हैं बहनों की सुरक्षा रखना, ये जिम्मेदारी होती है। इसलिए ये राखी का त्यौहार राखी बांध करके बहनों की सुरक्षा हो तो ये पवित्र रिश्ता है। पारदर्शिता तो दिखती है नहीं, ये सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है, और ये सरकार सबसे अभी तक की सबसे बेईमान सरकार। कितने बार पर्चे लीक हुए और लीक होने के बाद न तो रद्द करके चुनाव वो पर्चा लीक होने के बाद फिर परीक्षाएं नहीं करा पाई, इससे ज़्यादा और गड़बड़ियाँ कर रही है। और ऐसा देखिए, सरकार में चाहे तहसील हो, थाने हो, चाहे कोई सरकारी कार्यालय हो, चाहे नौकरियां हो, बिना पैसे के नौकरियां इसमें नहीं मिलती। और जब अभी तक 10 साल हो गए डबल इंजन की सरकार, फिर ट्रिपल इंजन की सरकार भी कह रहे थे, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं दी, कोई बातें झूठ बोल करके कोई झूठी बातें दोहराते रहे। वहीं इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद की ओर से सीएम की तारीफ पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। यही नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर भी कहा कि वो कोर्ट का निर्णय है। अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। सर, 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट हो गया है, वो अपील नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, ये तो फैसला सरकार को पहले ही लेना चाहिए था। अब तो कोर्ट ने आदेश दिया तो कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए पड़ेगा। आपको बता दें कि कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म मामले पर शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में पहले ही डॉक्टरों के लिए कानून बना दिया था उनकी सुरक्षा को लेकर। वहीं लगे हाथ शिवपाल यादव ने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार पर तंज कसा और कहा कि जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि महंगाई अपने चरम पर है। हमारी सरकार ने तो पहले ही कानून बना दिया था उनकी सुरक्षा का, तो सुरक्षा होना चाहिए, तो डॉक्टरों की सुरक्षा होना चाहिए, लेडी डॉक्टर की सुरक्षा होना चाहिए, और जितनी भी लेडी हैं उनकी सुरक्षा होना चाहिए। और उन्होंने कई बार जीरो टॉलरेंस की बात करी है, बात अभी भी करते थे, लेकिन क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा, महंगाई बढ़ती चली जा रही, किसानों के साथ जो वादे किए थे शायद अभी तक पूरा नहीं किया। खैर, शिवपाल यादव के इस बयान से ये साफ हो गया है कि आगामी उपचुनाव सत्ताधारी बीजेपी के लिए ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकसभा में आए नतीजे के बाद विपक्ष के हौसले सातवें आसमान पर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।